खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले निरसा में झारखंड ऊर्जा विकास निगम प्रबंधन द्वारा वादा खिलाफी मजदूर विरोधी हरकत समझौता कर लागू नहीं करने के विरुद्ध विद्युत कार्यपालक अभियंता निरसा कार्यालय के समक्ष बुधवार को आक्रोश रैली निकाली गई। जुलूस में लाल ही लाल झंडा दिखाई दे रहा था, जहाँ निरसा प्रमंडल जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए रामकृष्ण सिंह, प्रदेश महामंत्री, झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने कहा कि बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का हब बन गया है। बिजली उद्योग बदली उद्योग में तब्दील हो गया है। बिजली कर्मी के आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और पदाधिकारी कुछ विशेष चमचों को लेकर भ्रष्टाचार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है। हाल ही में करीब 200 कर्मी का मनचाहा स्थान का पदस्थापन किया गया है। वहीं महिला कर्मी को दूर दराज जगह पर नियम को ताक पर रखते हुए बदली किया गया। सरकार महिला सशक्तिकरण एवं गरिमा को बरकरार रखने की बात करता है, वहीं निगम प्रबंधन अपना कानून लगाकर महिला को प्रताड़ित कर रहा है। प्रबंधन मिली हुई सभी सुविधा को छीन लिया है, जिसे मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आर पार की लड़ाई होली के बाद करेगा। निगम प्रबंधन ने यूनियन से समझौता किया कि 300 करोड़ राजस्व से ज्यादा होने पर बिहार की तरह 6% ऊर्जा भुगता दिया जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट की कॉपी को कूड़े दान में फेंक दिया गया। जबकि लॉकडाउन में भी जान जोखिम में डालकर विद्युत कर्मियों ने 1100 करोड़ राजस्व बढ़ाया। यूनियन से हड़ताल को टालने के लिए प्रबंधन समझौता करता है, लेकिन टालमटोल की नीति अपनाकर लागू नहीं करता। पद मैपिंग लागू कर कई पद छीन लिया गया, पदोन्नति देकर 1 रुपया का फायदा नहीं दिया जा रहा है, यानी प्रबंधन मजदूरों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। श्री सिंह ने घोषणा किया कि होली के बाद छीनी हुई सुविधा को वापस करने, कामगारों को शोषण मुक्त करने, महिला कर्मी को तंग करने के विरुद्ध लंबित मांगों की पूर्ति के लिए 6% विशेष ऊर्जा भत्ता भुगतान के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए मजदूर तैयार रहे। श्री सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव का माहौल है, स्पष्ट हो गया है कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन वोट देने का अधिकार है। इसलिए वैसे ही उम्मीदवार को वोट दे जो मजदूर के आवाज को विधानसभा एवं सांसद में उठा सके। मुख्य मांगों में बिहार के तर्ज पर 6% विशेष ऊर्जा भत्ता का भुगतान करना, पद मैपिंग में सुधार करना, बकाया ओवर टाइम का भुगतान करना, महिला कर्मियों का स्थानांतरण रद्द करना, जितने भी कर्मी कालावधि पूर्ण कर चुके हैं उनको पदोन्नति देना, वही संदेश वाहक चौकीदार को पदोन्नति देना, ग्रुप इंश्योरेंस में प्रीमियम प्रबंधन द्वारा भुगतान करना, अदला बदली करना आदि है। जो भी विभागीय कर्मी परीक्षा उत्तीर्ण है उसको नियुक्त करना आदि है। आक्रोश रैली है, हम लोग का एग्रीमेंट होता है झारखंड निगम विद्युत भवन से, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहा है। उसमें बहुत सारा चीज है, 6% ऊर्जा भत्ता बिहार 17 में दे दिया, लेकिन जबकि ये लोग कोरोना में भी काम किए, पहले बोला था 300 करोड़ रेवेन्यू कीजिए, हम लोग 1100 करोड़ कर दिया, लेकिन फिर अभी बोल रहा है नहीं अभी हम नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से वादा खिलाफी कर रहा है। अभी जो बदली हो रहा है उसमें जो पैसा कौड़ी देता है उसको वहीं रख दिया, और जो नहीं दिया महिला को भी लोग 200 किलोमीटर दूर कर दिया है। जबकि प्रधानमंत्री बोलते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, गरिमा को हम बरकरार रखेंगे, जहां महिलाएं सुरक्षा सुरक्षित नहीं है वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है, एकदम ठीक बात बोले हैं। तो लेकिन वो भी अमल नहीं करता है, बल्कि और नया कानून ला करके प्रताड़ित करता है। उसको 200 किलोमीटर बदली करने का क्या है? जो लोग हैं 200 आदमी को मन चाह पोस्टिंग हो गया, कुछ ऐसे आदमी है जो बराबर पैसा देकर के यहाँ रह गए, फिर बाकी आदमी को ठेल दिया जाता है। एक डिजिनेशन मैपिंग है, क्या कहें, उसमें हमारे मजदूर को जो प्रमोशन होता है 1 पैसा नहीं मिलता है, कौन एजेंसी से करवा लिया भगवान जाने, और उसमें कोई तालमेल नहीं है, सबका प्रमोशन ले लिया। छिनी हुई सुविधा हम लोग को जो था उसको भी वो लोग लिया हुआ था, उसको भी छीन लिया बिजली बोर्ड में।
किस तरह से मजदूर पर, महिला पर, सब पर टॉर्चर कर रहा है। हमारे एग्रीमेंट को कूड़ादान में फेंक दिया जाता है, फिर एग्रीमेंट करने से क्या लाभ? किस तरह से हम लोग को धोखा दे रहा है। अफसर लोग, लोकल अफसर भी आदमी को तंग कर रहे हैं, यहाँ से वहां बदली कर रहे हैं। मैंडेज कर्मी का भी वही हाल है बेचारे लोगों को। तो इस तरह से हम लोग आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। ऐसा आक्रोश रैली पूरे राज्य में होगा और तब तक ही चलते रहेगा जब तक कि हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाता है। और होली के बाद हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और विद्युत भवन का घेराव करेंगे।